मतलब हम वहाँ पर गए थे, इसके बाद उसने वो हम पर झपट पड़ा और हम डर गए थे। इस समय हम मौजूद हैं भगवान रामचंद्र के नगरी में, अयोध्या में, और आप लोगों को एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी लगभग तकरीबन महीनों से, सारस और आरिफ का, आरिफ और सारस की दोस्ती का जो एक कहीं ना कहीं मिसाल है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है। और वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि लोग, बहुत सारे लोग, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर के लोग भी उसको देख रहे हैं। और अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, कौन से देखिएगा, शायद आप लोग पहचान जाएंगे। ये वही लड़की हैं जो वहाँ पर गई हुई थी आरिफ के पास सारस से मिलने के लिए और उस चीज़ को देखने के लिए, और जिस तरीके से सारस ने इनके ऊपर झपटा था, ऐसा ये लग रहा था कि आखिर क्या सारस आरिफ के साथ इतना प्रेम करता है कि कोई और अगर उस आरिफ के पास जाए तो उसको नफरत हो जाती है, ऐसा कुछ देखने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ये वही लड़की, इनको गौर से आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर वो वीडियो मिल जाएगा क्योंकि वो वीडियो वायरल चल रहा है। वही ये लड़की है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर भाई इनकी तरफ सारस इतना तेज क्यों दौड़ा था, इनको क्या लगा था उस टाइम की दिनचर्या में, क्या लगा था आपको जब आपकी तरफ सारस से बार दौड़ पड़ा इस तरीके से, जैसे आपको काट लगे, काट लगे, मतलब हम वहाँ पर गए थे, इसके बाद उसने वो हम पर झपट पड़ा और हम डर गए थे। मतलब क्या आपका कहने का मतलब है कि जो आरिफ के बगल में कोई लड़की और चली जाए तो सारस को नहीं पसंद आता उसको है क्या? मतलब हम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आई, इसलिए वो हम पर। मतलब पर्सनल लाइफ में भी क्या यूट्यूब पर आप काम कर रही हैं? यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं। कैसा वीडियो बनाती है? वही डांस वाला, हमारे चैनल का नाम है शाहरुख चौहान ऑफिशियल है, तो आप लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो वीडियो आप बनाती हैं यूट्यूब पर, वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कोई लटके झटके लगाती है, कोई अजीब तरीके, कोई ढोड़ी चटना उठना पे डांस कर लेती है, कोई ऐसा गाना उन्हें डांस नहीं करती है ना? क्यों नहीं, अश्लील अश्लील तो नहीं है? नहीं करते, ज्यादा नहीं करते, मतलब ऐसे गाना है तो बनाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? शाहरुख चौहान ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है। तो शाहरुख, क्या वजह रही कि यूट्यूब पे आना है थोड़ा सा? इतनी कम उम्र में, अभी तो उम्र आपकी बहुत नहीं लग रही है, पढ़ाई करने की उम्र है उसमें, आप पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? मतलब हमें, मतलब डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना डांस वीडियो बनाकर कुछ किया जाए। मतलब हमारे, मतलब घर में हमारे पापा अकेले हैं, इसलिए हम अपने पापा का साथ दे रहे हैं, उनका उनका मतलब कंधा से कंधा मिला रहे हैं। पढ़ाई भी करती हैं साथ में? पढ़ाई भी करते हैं, अभी हम 10th का एग्जाम दिए हैं। तो क्या डांस क्लास भी कहीं करती हैं आप? नहीं, बस घर पर हम करते हैं क्लास। क्या लग रहा है यूट्यूब, क्या मतलब मन में आया कि हमें यूट्यूब पे काम करना चाहिए? बस वैसे पापा का साथ देने के लिए, पापा हम लोग बहुत मतलब गरीब हैं, पापा अकेले मतलब घर में मैनेज नहीं कर पाते। पढ़ाई लिखाई करके कुछ जॉब वगैरह करती तो हो सकता तब भी साथ दे सकती थी। तो मतलब हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक चीज़ और, जैसे आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहती हैं या तमाम ऐसे लोग हैं जो अश्लील गानों पर डांस करके खुद को वायरल कर रहे हैं? नहीं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, देखकर मोटिवेट हो गए। नहीं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने फैमिली का, इंडिया का। मैंने आपका सारा यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो मैंने देखा है अभी अभी तत्काल में मैंने सर्च किया है, तो उसमें सारे कॉपीराइट हैं, तो कैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा? मैं तो कहीं ब्लॉगिंग किया आपने देखा नहीं कि मैंने, आप ब्लॉगिंग कर रही हैं, वीडियो अलग से बना रही हैं, सभी गाने हैं, तो कैसे मोनेटाइज होगा? मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, कॉपीराइट भी आ जाता है, तो क्या? लेकिन वो तो वीडियो वायरल हो गया जो आप सारस के बगल में, आरिफ के बगल में खड़ी हुई, पहचानने लगे लोग, पहचानने लगे, आपको पहचान रहे हैं लोग, खोज रहे थे आप, तो हम भी बहुत खोजते खोजते मिले हैं आप, तो उसमें वायरल हुआ, हमारे में भी एक भी वीडियो नहीं वायरल हुई है। किनको देखकर आप यूट्यूब पर आइए? जरूर तमाम ऐसे यूट्यूब पर काम कर रहे हैं लोग, आपने सोचा यार ये कर रही हैं तो, या किनका नाम आपको सबसे पहले आपके माइंड में किनका नाम आ रहा है कि इनको देखकर मैं चाहिए कि मैं यूट्यूब पर आऊँ? वही मतलब हमारे मतलब रिलेशन की है, रितु चौहान है, उनको देखकर हमें ज़्यादा मोटिवेट हुए और हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी ऐसे बना सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपके बगल में भी तो मोटिवेट नहीं करती हैं, ये साथ में हमेशा रहती, हिम्मत देती हैं आपको? कौन है आपकी? क्यों नहीं देती हैं हिम्मत? देती हैं ना? हाँ। कौन है आपकी? ये हमारी सिस्टर हैं। अच्छा अच्छा, आपके सिस्टर रिलेशन में। तो फिर क्या अब तो सारस ने आपको काटने दौड़ा, सारस आपको भगा रहा था, फिर क्या मिलने की इच्छा है आरिफ से कि नहीं? क्यों नहीं, अब वो काटेगा मतलब दोस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्ती भी है भाई, राज राज दोस्ती है, भी है, फोटो भी है, सब कुछ है साथ में। चलिए बढ़िया। अच्छा, किस कौन सा वीडियो पहली बार कब आपने देखा था आरिफ और सारस को जब आप मिलने चली गई? वहाँ किसका वीडियो देखकर आपने वीडियो देखा था आपने? मन में आया चलो आरिफ यहाँ चला जाए। पक्षी वाला, वही जो वो मर गया था, उसको पाए थे, गिरा था, उसके बाद उसका वो इलाज उलाज करके उसको ठीक मरने के बाद इलाज करके मरा था। मतलब वही, मतलब जब टांग टूट गया था उसका, मतलब घायल हो गया था, जख्मी हो गया था, तो उसको सही हुई किए, मतलब वही देखकर हम भी चले गए। किस चैनल पर देखी थी आप? कहाँ वीडियो देखा था ये पता है कुछ आपको? देहाती क्रिएटर, देहाती क्रिएटर पर, हाँ, वही पर देखे थे। 3 मिलियन से ज्यादा चला है वो वीडियो। तो क्या अभी आरिफ जी आए थे, उनसे मुलाकात आपकी हुई? हाँ, हुई मुलाकात भी, हुई फोटो भी है और वीडियो। क्या क्या बातचीत हुई आरिफ से और आपकी? कि भाई उस दिन तो दौड़ रहा था, अब तो कोई नहीं दौड़ रहा है। बिल्कुल, क्या बातचीत हुई आरिफ से?
ज्यादा कुछ नहीं वैसे, मतलब ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाल चाल ले लिए? हाल चाल पूछ लिए, फोटो भी खींच, सेल्फी भी। आपके चैनल का क्या नाम है? सालू चौहान ऑफिशियल है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा आखिरी सवाल एक सालू, अगर यूट्यूब पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे सफलता नहीं मिलती है तो फिर सालू का अगला कदम क्या होगा? क्या कभी सेकंड प्लेटफॉर्म पे आएगा? हम चाहे सफल हो या ना हो, हम कभी हार नहीं मानेंगे, जब तक ले आगे नहीं बढ़ेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए शुभकामनाएं हैं, कुछ अच्छा करिएगा यूट्यूब पर, ठीक है? थोड़ा अश्लीलता से बचिए, अश्लीलता से बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको समाज दौड़ाए ना देखने के बाद। नहीं नहीं, ऐसे लोग जो डरते हैं, ऐसे जो तमाम बता रहे हैं, अभी हम लोग आए थे, कुछ ब्लॉगर आए और देखते कहा था, अरे भैया एक वाला बैठे बाद दूसरा का हो तो बैठे, कहीं ऐसा ना करना पड़े। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कैमरे के सामने। मेरे ख्याल से पहला इंटरव्यू है आपका? हाँ, लाइफ में पहला इंटरव्यू। बहुत जल्द ही फिर दूसरा भी होगा, उस लाइक बनिए आप, फिर हम लोग आए आपके पास, फिर सवाल ऐसे नहीं होंगे, फिर सवाल ऐसे नहीं। किस तरीके इनसे थोड़ा सा बात करते हैं, किस तरीके से आप इनका सपोर्ट कर रही, सहयोग कर रही? पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगी, जितना भी दर्शक मुझे इस चैनल से देख रहे हैं उनको दिल से प्रणाम। और आप लोग इतना सपोर्ट किए कि आज हम यहाँ तक हैं। तो ये हमारे घर अभी कल ही आए थे हमसे मिलने, तो हम आ रहे थे यहाँ पे, बोले चंदा भाभी कि यहाँ चलो साथ में लेकर चलते हैं, बहुत लोगों से मिल भी लेना, और ऐसे भी ये वायरल है पहले से। बिल्कुल हाँ, आरिफ और सारस के साथ में। हाँ, तो ये बोले ठीक है, तो आए हम लोग यहाँ पे। तो किस तरीके से इनको क्या सजेशन करेंगे आप, वीडियो बनाते हुए जैसे कुछ लोग अश्लील वगैरह बनाते, तो इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? जैसे आप देखिए, अब जब गाना, जब जो मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब गंदा ही गाना वायरल ज़्यादा हो रहा है, और वो एक आध जो हिंदी गाना मतलब जो बॉलीवुड का निकालते हैं वही वायरल था, नहीं तो जो मतलब सही ढंग से गाते हैं उन लोग का गाना वायरल नहीं होता है, ज़्यादा करके अश्लील गाना ही वायरल होता है। तो अब मतलब हम लोग बनाते हैं थोड़ा बहुत, ज़रूर मतलब अश्लील रहता है, ऐसा नहीं है कि अश्लील नहीं रहता है। तमाम ऐसे यूट्यूबर आप हैं जो एकदम सही सही बोली हैं, बाकी लोग कतराते नजर आते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिस, तमाम ऐसे गाने हैं जो अच्छे गाने भी और लोग वायरल होते हैं उससे भी। हाँ, बहुत लोग मतलब अच्छे गाने से भी वायरल होते हैं, लोग रातों रात वायरल होने। हाँ, अश्लील गानों से लोग रातों रात वायरल होना। हाँ, बस यही बात है। एक सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छाई और बुराई। अच्छाई सदैव अच्छाई ही होती है, बुराई का रास्ता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, इसलिए जो है अच्छाई का रास्ता। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा बनाएंगे और लोग आपको देखकर अच्छा करेंगे। बिल्कुल, लोग देखेंगे, धन्यवाद। लोग देखेंगे लेकिन नजरिया अलग रहेगा लोगों का। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।